दोस्तों बात है 1999 की, जब उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में लाहौर के दौरे पर थे और उस समय उनके एसपीजी चीफ थे महाराष्ट्र के डीजीपी संजीव दयाल। हुआ ये कि पाकिस्तान पुलिस ने संजीव दयाल से ये कहा कि रूट का सारा क्राउड क्लियर कर दिया गया है और वो प्राइम मिनिस्टर को लेकर चल सकते हैं। पर संजीव दयाल इस बात से संतुष्ट नहीं थे और उनके मुताबिक रास्ते पर और भी क्राउड था जिसे वो हटवाना चाहते थे और इसी वजह से संजीव दयाल ने वेट करने का फैसला लिया। उन पर मंत्री और अधिकारियों के लेवल से बहुत सारा दबाव डाला गया क्योंकि वो इवेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भाईचारे की नजर से एक बहुत बड़ा इवेंट था। पर संजीव दयाल ने इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इन सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के काफिले को आधे घंटे तक रोक के रखा। दोस्तों उस समय अगर संजीव दयाल दबाव में आ जाते और कोई चूक हो जाती तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।